हेलो फ्रेंड्स, मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़ी ही जो एक कॉमन विकराल जो अभी सबके सामने समस्या है, कोविड इलनेस। क्या है कोविड इलनेस, क्या इसका जो है डायग्नोसिस होता है, कैसे इसको पहचाना जाए, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, अभी कुछ विगत समय में जो हमने ये कोविड सेंटर में कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, जो पेशेंट को बहुत सारी क्वेरी होती हैं, उनके दिमाग में कई सारी जो है गलत बातें होती हैं, वो आज हम संक्षिप्त में यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे क्या है कोविड इलनेस और कैसे ये होता है। सबसे पहले दोस्तों, जो कोविड इलनेस है वो कोरोना वायरस का एक इन्फेक्शन है जो अपने लंग्स को अफेक्ट करता है। दोस्तों, कोरोना वायरस लंग्स को जो अपनी बॉडी में अफेक्ट करने कारण के बाद में दो उसके जो है परिणाम हो सकते हैं। पहला, अगर आपको जो कोरोना वायरस आपको अफेक्ट हुआ, अगर पेशेंट की एंटीबॉडी अच्छा होता है तो बहुत बार जैसे सामान्य जुकाम की भांति जैसे पेशेंट 2 या 4 दिन में ठीक हो जाता है, वैसे यूजुअली रिकवर कर जाता है। दूसरा, अगर कोरोना वायरस आगे जो है वो एक्सटेंड होता है, इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, तो फिर जो है वो कोविड इलनेस का रूप लेता है, जिसमें पेशेंट को जो है वो आगे 3 तरीके से जो है वो पेशेंट को इफेक्ट करता है। नोज के माध्यम से जो अपना फेफड़े होते हैं, जो अपने लंग्स होते हैं, उसको कोरोना वायरस अफेक्ट करता है। फर्स्ट वो कोरोना वायरस जो है अपने लंग्स को इन्फेक्शन करता है और उसमें कंटिन्यू इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। पहला उसमें क्या है, इन्फेक्शन होता है, देन कॉन्सिक्वेंटली उस इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब अपना लंग्स डैमेज होना स्टार्ट होता है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस से जो डैमेज पार्ट जो लंग है उसके कारण कोगुलोपैथी होती है, यानी उसका जो है वो एम्बोलिज्म बनना स्टार्ट होता है। तो ये 3 चीजें जो होती हैं कोरोना जो है वायरस के अंदर, इन्फेक्शन, देन इन्फ्लामेशन, लंग्स का डैमेज होना, एंड देन कोगुलोपैथी, एम्बोलिज्म बनना, ये तीनों चीजें उसके जो है 5 या 6 दिन बाद जो है वो स्टार्ट होती है। नाउ अब पेशेंट का क्या होता है, जब लंग्स डैमेज होना स्टार्ट होता है तो उसका क्या है कि अपना जो लंग्स का जो क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है जो अपन वातावरण से नोज के माध्यम से जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो अपने ब्लड में ट्रांसफर होना। जब लंग्स डैमेज होता है तो वो ऑक्सीजन अपने नाक के माध्यम से अंदर तो जा रही है लेकिन वो ब्लड में ट्रांसफर नहीं हो पाती, एंड कॉन्सिक्वेंटली अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन जो ब्लड का हीमोग्लोबिन जो होता है वो डाउन होना स्टार्ट होता है। अब बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती, अपने ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो पेशेंट को बार बार सांस लेना है, और जिसको सांस लेने में तकलीफ, जब पेशेंट का सेचुरेशन जो है वो 90 से कम आता है तो वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में कंसल्टेशन के लिए जाता है। दोस्तों, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं बेसिक्स। उसमें एक सिंपल, सबसे पहले उसका सेचुरेशन एक प्रोब के माध्यम से चेक किया जाता है कि इसका कितना सेचुरेशन है, जिसको प्रोब अपने को ये ग्रॉसली आइडिया लगे कि उसमें ब्लड में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा सेचुरेशन है। तो उसमें क्या है, उसका सेचुरेशन चेक किया जाता है। सेकंड दोस्तों, एक जो कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सीटी स्कैन, HRCT, जो हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन जो है वो चेस्ट का वो कराया जाता है, जिससे अपने को ये पता लगता है कि जो है वो अपने जो है लंग्स के अंदर कितना जो है वो डैमेज हो चुका। तो दोस्तों, ये एक बड़ी ही कॉमन लोगों में मैं एक बताना चाहूँगा कि सीटी स्कैन का जो है स्कोर है वो क्या है। लोगों को होता है कि मेरा तो 5 है बहुत अच्छा है, कोई कहता है मेरा 22 है बहुत अच्छा है। दोस्तों, सीटी स्कैन में लंग्स को 25 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक स्कोर निकाला जाता है कि आउट ऑफ 25 अपना लंग्स कितना डैमेज हो गया। सपोज किसी का जो है सीटी स्कैन स्कोर आ रहा है 10, क्योंकि पूरा जो अपना 25 पार्ट में से 10 पार्ट जो है उसका लंग का डैमेज है। किसी पेशेंट का अगर आता है 20, दैट मीन्स जिसका 20 है उसके लंग्स के अंदर डैमेज ज़्यादा है। दैट मीन्स 25 में से उसका 20 आ रहा है, तो मतलब अगर परसेंटेज में अगर उसका डिस्कशन करते हैं तो 80% लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका। आप समझ रहे हैं, अगर किसी का 10 है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो है करीब 20-25% लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। दैट मीन्स जितना सीटी स्कैन का स्कोर ज़्यादा होता है
उसका मतलब उसका जो है वो गंभीर बीमारी है, और जितना कम है सीटी स्कैन का स्कोर उसमें जो है वो। अब देखने को उसमें ये होता है कि पेशेंट बहुत बार क्या होता है कि उसका सीटी स्कैन स्कोर आता है 8 या 10 या 12। पेशेंट जब सीटी स्कैन कराता है तो बड़ा अश्योर हो जाता है कि मेरा सीटी स्कैन स्कोर तो बहुत कम है, और वो बहुत बार क्या है कई बार आगे ट्रीटमेंट नहीं लेता या उस पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों जो मोस्ट डेंजरस जो पेशेंट होते हैं कोरोनम जो हमें देखने को मिल रहा है, जिसका सीटी स्कैन स्कोर 11 से 20 है, उसका मैक्सिमम जो है वो डेंजरस पेशेंट होता है। बिकॉज अगर किसी का सीटी स्कोर 11 आ रहा है तो उसका सीटी स्कोर 5 दिन बाद उसका 17 या 20 आ जाता है, लेकिन जिसका सीटी स्कोर 22 या 23 आ रहा है वो तो ऑलरेडी जितना डैमेज होना था वो गया। इसलिए उन पेशेंट को ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है जिनका सीटी स्कैन स्कोर कम है। तो इस सीटी स्कैन स्कोर के माध्यम से और इसके जो है और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें ये अपने को सी रिएक्टिव प्रोटीन है, LDH है, फेरेटिन है, इंटरल्यूकिन है, इन सब इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से ये देखा जाता है कि पेशेंट का कितना वायरल लोड है, कितना उसका इन्फेक्शन हो गया, कितना उसका जो है लंग्स डैमेज हो गया, कितना उसका जो है वो एम्बोलिज्म जो है ब्लड के अंदर बन गया। ये सारी चीज़ें एक जो अभी इसका जो इन्वेस्टिगेशंस का प्रोटोकॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स का एक प्रोटोकॉल है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये होता है इसमें इतनी सारी जांचें क्यों कराई जाती हैं। तो दोस्तों एक प्रोटोकॉल के माध्यम से अपने को इसका ट्रीटमेंट असेसमेंट के लिए ये सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। नाउ लास्ट पार्ट, क्या उसका ट्रीटमेंट है? दोस्तों जो इसका जो ट्रीटमेंट जो पार्ट है कोविड इलनेस का, दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले है ऑक्सीजन थेरेपी। जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर देता है उसमें ऑक्सीजन एंड साथ के अंदर जो मेडिसन्स ऑक्सीजन, बिकॉज जो है वो लंग्स जो है वो खुद इतनी ऑक्सीजन वातावरण से नहीं ले पाता, इसलिए पहले तो ऑक्सीजन। लेकिन खाली ऑक्सीजन ही उसका ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट कई दिनों तक घर पे ही ऑक्सीजन लगाए रहता है, और पेशेंट जब सीरियस हो रहा होता है, उसका सेचुरेशन बहुत ज़्यादा फाल हो चुका होता है, जब वो हॉस्पिटल आता है तो उसका क्या है रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जो ऑक्सीजन है उसके साथ में जो मेडिसन्स हैं, जो उसका जो वायरस है उसका लोड, जो वायरस का लोड को इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो बहुत सारी जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इन एंटीबायोटिक्स में एक रेमडेसिविर भी एक एंटीबायोटिक है जो वायरस को मल्टीप्लाइकेशन को रोकने के लिए दी जाती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बार क्या है पेशेंट रेमडेसिविर के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर से ही इलाज होता है, मिल जाए अगर पेशेंट के इनिशियल स्टेज में तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो उसके इक्विवेलेंट और भी दवाइयां हैं जो पेशेंट को स्टार्ट की जाती हैं। सो ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सेकंड, जो अपना डैमेज पार्ट हो गया उसके रिकवरी के लिए और डैमेज को प्रिवेंशन करने के लिए पेशेंट को स्टीरोइड्स दिया जाता है, डेक्सोना है, मेथिलप्रेडनिसोलोन, सोल्यूमेड्रोल। इसमें भी दोस्तों देखने की एक चीज़ होती है कि अभी जो यूजुअली जो पेशेंट को स्टीरोइड उसके इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, डैमेज पार्ट को रोकने के लिए दिया जाता है, उसके कारण पेशेंट की शुगर रेज होती है। तो हमें अभी प्रैक्टिस में देखने को ये मिलता है कि कई बार पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके दो कारण हो सकते हैं, मे बी हो सकता है वो पेशेंट पहले डायबिटिक हो। अभी हमें देखने को मिलता है जो पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी शुगर बढ़ गई, या पेशेंट कहता है इतनी शुगर कैसे बढ़ गई, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को भी पता नहीं होता कि उसको डायबिटिक है, उसको साइलेंट डायबिटीज चल रही होती है। तो हो सकता है उसको साइलेंट पहले को डायबिटीज चल रही हो, उसके कारण भी उसकी शुगर बढ़ गई हो, या हो सकता है मेथिलप्रेडनिसोलोन या जो स्टीरोइड दिए उसके कारण भी बढ़ सकता है। दोनों में उसका डिफ्रेंशिएट एक HbA1c करके जांच होती है, जिसमें अगर वो बहुत ज़्यादा रेज आ रही इट मींस उसको साइलेंट पहले से भी डायबिटीज हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर उसको पहले से डायबिटीज है तो उसमें कोरोना में रिकवरी के चांसेज के अंदर और प्रॉब्लम आती है और डिफिकल्टी होती है। लेकिन आपको स्टीरोइड उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए देना ही होता है, वो एक स्टैंडर्ड एक डोज होती है जो चिकित्सक उस स्टैंडर्ड डोज को वो। तो दोस्तों ये जो इन्फ्लामेशन का जो डैमेज है उसको रोकने के लिए स्टीरोइड्स दिए जाते हैं, वो एक प्रोटोकॉल के माध्यम से पेशेंट को दिए जाते हैं और वो देना भी जरूरी होता है। बट वो
एक प्रोटोकॉल के माध्यम से ही देना चाहिए। तीसरा जो इसका जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो जैसे कोगुलोपैथी को रोकने के लिए जैसे एस्पिरिन दी जाती है, वैसे ही जो है हिपेरिन और वो जो है वो दिया जाता है, जिसके जिससे क्या होता है कि जो डैमेज जो लंग है वो जो है वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचे। इसमें दोस्तों एक चीज़ और देखने को मिलती है, बहुत बार पेशेंट क्या है उस सेचुरेशन को इतना स्टक होता है कि मेरे पेशेंट का सेचुरेशन 92 है, फिर उसका जो है 80 आ गया, फिर उसका 70 आ गया। बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि जिस पेशेंट का सेचुरेशन 90 से ऊपर है, सिर्फ जिसका 3 दिन से 90 चल रहा है, वो सडन कोलैप्स हो जाता है, सडन डेथ पेशेंट की हो जाती है। ऐसे में पेशेंट को लगता है मेरे पेशेंट का सेचुरेशन तो अटेंडेंट को लगता है कि इतना था। दोस्तों जिसका सीटी स्कोर 20 है या जिसका सीटी स्कोर ज़्यादा है या पेशेंट बहुत लेट हॉस्पिटल में आता है जिसका लंग्स ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो गया, तो ऑक्सीजन लगाने के बाद उसका सेचुरेशन तो रिकवर कर जाता है, लेकिन दोस्तों बहुत बार वो डैमेज पार्ट एक एम्बोलाई बन के अपने हार्ट को ब्लॉक कर देता है। जैसे आपने देखा होगा खेलते खेलते पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, काम करते करते उसको क्या होता है, उसको हार्ट अटैक आता है। तो बहुत बार उस डैमेज पार्ट के कारण अच्छा पेशेंट का सेचुरेशन होता है, उसके बाद भी वो पेशेंट जो है तुरंत जो है वो कोलैप्स हो जाता है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें अपने को समझनी होती हैं। सो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और जो कोगुलोपैथी, इनको तीनों को ध्यान में रखते हुए इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो अभी ये देखने को मिलता है कि जो ये स्टेरॉइड्स वगैरह चलते हैं, पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसकी इम्यूनिटी कम है या अनकंट्रोल डायबिटिक है, तो उसमें उसके बाद में एक आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया और सब पे एक ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी पेशेंट को होता है। सो वो ब्लैक फंगस क्या है, एक म्यूकर माइकोसिस है, एक म्यूकर एक फंगस होता है जो सड़ा गला खाने से या पत्तियों से या गंदगी से बहुत बार नाक के माध्यम से क्या है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन होता है। तो मोस्टली नोज में जो अपने साइनस का है वहाँ पर वो इन्फेक्ट होती है, और उसके जो इनिशियली जो लक्षण होते हैं वो पेशेंट के नोज में जलन है, उसका जो है वो चीक में स्वेलिंग है, पेन है, नोज से डिस्चार्ज है, और बहुत बार पेशेंट ध्यान नहीं देता तो क्या है कि जो उसकी विजन है वो भी उसको दिखना कम हो जाता है, क्योंकि ये जो फंगस है, ये जो चीक की जो बोन है, गाल की जो हड्डी है, उसमें इन्फेक्ट होके और जो अपनी गाल की हड्डी जो अपना साइनस है और अपनी आँख और साइनस के बीच की पतली बोन है उसके थ्रू वो जो है वो अपनी आईज में भी चली जाती है, और ये एक ऐसी फंगस है जो खून की नलिकाओं में भी अंदर एंटर करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जो है इन्फेक्शन करती है। सो ये एक बड़ा एक घातक परिणाम होता है इसका, जो अगर पेशेंट उससे इन्फेक्ट हो जाता है तो उसमें अगर उसकी चीक बोन के अंदर पूरा वो भर गया और पीछे तक भी एक्सटेंड कर गया तो उसको एंडोस्कोपिक डेब्राइड करके दूरबीन से उसको निकाला जाता है। दोस्तों बहुत बार अगर आँख के अंदर भी ये पूरा भर गया तो आँख भी पेशेंट को जान बचाने के लिए निकाला जाता है, नहीं तो वो दिमाग के अंदर भी एक्सटेंड करती है। तो ऐसे घातक परिणाम होते हैं उसके, और उसके बाद में एक एम्फोटेरिसिन बी की जो दवा है वो दी जाती है जिससे उससे आगे रोकने के लिए। तो ये भी एक घातक इन्फेक्शन है जो अनकंट्रोल पेशेंट में या अनकंट्रोल तरीके से स्टीरोइड दिए जाएं तो बहुत बार पेशेंट को जो अभी देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है, इसके साथ में जो चिकित्सक का एक रोल होता है, इसके अलावा भी कोविड पेशेंट की रिकवरी के लिए पेशेंट का खुद का और उसके अटेंडेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि चिकित्सक किसी पेशेंट को नहीं बचाना चाहता, चिकित्सक जो डॉक्टर है वो हर पेशेंट के लिए बराबर प्रयास करता है। जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए सब बच्चों को इक्वल पढ़ाता है, एक फर्स्ट डिवीजन आता है, एक फेल हो जाता है, एक ग्रेस मार्क्स करता है, एक सेकंड। दोस्तों इसमें जो चिकित्सक की मेहनत के बाद इसमें रोल होता है पेशेंट का। अगर पेशेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड है, पेशेंट को विल पावर अच्छी है कि मेरे को जीना है, मेरे को बचना है, पेशेंट को जो चिकित्सक सलाह दे रहा है उसको फॉलो कर रहा है, उसको बोला है कि आपको राइट साइड में लेट के सोना है, उसको लेफ्ट साइड में लेट के सोना है, आपको प्रोन रहना है, क्योंकि उसमें जब प्रोन मतलब उसको उल्टा लेटना, उससे क्या होता है उसकी मैक्सिमम ब्रीदिंग होती है। तो ये अगर उसको फॉलो कर रहा है, उसको बाईपैप लगाना है तो वो उसने लगाया, उसको ऑक्सीजन लगाना है तो बराबर लगाया, तो पेशेंट की जो है रिकवरी फास्ट होती है। साथ में उसका अटेंडेंट अगर उसका डाइट का ध्यान है, उसको पॉजिटिव काउंसलिंग कर रहा है, तो इन सब चीज़ों का रोल भी उसमें होता है। ऐसा नहीं है कि खाली चिकित्सक के ट्रीटमेंट से, आज आपने देखा इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है
तो इसमें क्या है, खाली ऐसा नहीं है कि चिकित्सक ने ही ध्यान नहीं दिया, उसमें पेशेंट का रोल भी होता है। पेशेंट कई बार क्या होता है कि इतनी कोमोर्बिड सिचुएशन होती है उसको, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है उसको, हाइपरटेंशन होता है उसको, अस्थमा होता है उसको, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं ऐसे पेशेंट को। पेशेंट ओबीस होता है, उसको बहुत ज़्यादा उसका वजन होता है, तो ऐसे में डॉक्टर भी एक लिमिटेड ही प्रयास कर पाता है और बहुत बार पेशेंट रिकवरी। बाकी ऐसा है, अगर पेशेंट अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमने 100 ईयर का जो पेशेंट है, यंग पेशेंट है, वो भी क्या है, काफ़ी पेशेंट्स की हमने रिकवरी की है। सो दोस्तों, इसमें जो ये सारे जो दिमाग के अंदर जो बहुत सारे सवालात हैं, जो ये सारे सवालात जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है अपने क्लियर करने चाहिए। हम आपको कुछ ऐसे पेशेंट से भी मिलाएंगे जो बहुत सीवियर सीटी स्कोर थे, जिनका 22-24 CT स्कोर है। हम ऐसे भी पेशेंट हैं जो इतने ओल्ड हैं, वो भी कोरोना जो इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो पेशेंट है, सबसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप इसके प्रिवेंशन, क्योंकि ये कॉन्टाजियस डिजीज है, आप अपना जो भी इसके प्रिवेंशन के लिए इसके मेजर्स हैं, यू यूज ऑलवेज मास्क, यू हैंड वॉश, सैनिटाइजर, एंड जो आपका जो पेशेंट है उसके पास मिनिमम से मिनिमम एक्सपोजर हो। यूजुअली बहुत बार देखने को मिलता है अटेंडेंट को बहुत बार मना करने के बाद भी वो पेशेंट अपने इमोशनली अपन पेशेंट से अटैच होते हैं, लेकिन बार बार उसके पास नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको भी एक बेड की वहाँ पे क्या जरूरत हो और बेड ढूंढना पड़े। सो जितने भी प्रिवेंटिव मेजर हैं वो आप यूज में लीजिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइजेशन यूज, अननेसेसरी पेशेंट से एक्सपोजर, एक बार सुबह मिल सकते हैं, एक बार शाम को मिल सकते हैं, डॉक्टर के माध्यम से उसका हालचाल जान सकते हैं। बहुत बार पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी हम पेशेंट को कहते हैं कि, अटेंडेंट को कहते हैं कि आप इसे टच नहीं हो, क्योंकि क्या होता है कि जो पेशेंट अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो डायरेक्ट मोक्ष धाम जाती है, उसको भी कहीं घर ऐसा नहीं ले जाना चाहिए जिससे, क्योंकि वो एक सुपर इन्फेक्शन का सोर्स होता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम कोरोना की चेन को और कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।